दोस्तों, योग निद्रा को आध्यात्मिक नींद कहा जाता है। यह सोने और जागने के बीच की अवस्था होती है। ना आप पूरी तरह जाग रहे होते हैं और ना ही पूरी तरह सो रहे होते हैं, क्योंकि इसमें सारे विचार आपके सबकॉन्शियस लेवल पर काम करते हैं। योग निद्रा करने के बाद आपकी पूरी थकान मिट जाती है। दोस्तों, योग निद्रा का नियमित अभ्यास करने से आपके शरीर में उत्पन्न हुई गंभीर बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। ये एक प्रकार का प्लेसिबो इफेक्ट है, जिसमें आप अपने माइंड के द्वारा अपने शरीर को हील करते हैं। योग निद्रा को करने के लिए 5 स्टेप्स को फॉलो करें। पहला, संकल्प। आपको अपने लिए एक संकल्प चुनना होगा। यह संकल्प कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका ड्रीम हो, पर आपका संकल्प निश्चित होना चाहिए, बार बार बदलना नहीं है। उस संकल्प को महसूस कीजिए, उसका साक्षी बनिए। आप जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, आपको जो भी बनना है, उसका संकल्प अपने मन में दोहराएं। योग निद्रा का अभ्यास शुरू करने से पहले उस संकल्प पर ध्यान केंद्रित करें। इस ब्रह्मांड को अपने संकल्पों के बारे में बताएं। दूसरा, अपने शरीर के बारे में जानना। योग निद्रा द्वारा अपने आप को जागरूकता में जानना है। आप अपने शरीर के प्रत्येक भाग को कैसा महसूस करते हैं? पैरों की उंगलियों से शुरू होते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर जाना है। यह क्रिया शरीर के प्रत्येक अंग को व्यापक रूप से आराम पहुंचाती है। तीसरा, सांसों का ज्ञान। यहां पर आपको सांसों की गिनती नहीं करनी है, बस उसके आने और जाने को देखना है। अपनी सांसों से जुड़ना है, सांस को अपने अनुसार प्रवाहित कराना है, यानी शरीर के प्रत्येक भाग में सांसों की सजग उपस्थिति। ऑफिस में आपके साथ दुर्व्यवहार हो या ट्रैफिक के जाम में फंसना, घर पर झगड़ा या बाहरी परिस्थितियों में उलझना, यह सब परिस्थिति आपके सांसों की गति को प्रभावित करती है, जिससे आपकी मन की गति भी तीव्र होने लगती है। यह सब इतने सूक्ष्म स्तर पर होता है कि आपको पता ही नहीं चलता। हमें योग निद्रा द्वारा इन सूक्ष्म स्तर पर कार्य करना है। अपनी सांसों द्वारा अपने मन की स्थिति में परिवर्तन लाना है। चौथा, अपनी भावनाओं को सुने। अपनी भावनाओं की ओर मुड़ने का अर्थ है, दिन प्रतिदिन के कार्यों में अचानक ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपके द्वारा दी गई प्रतिक्रिया कुछ सेकंड बाद आपको खुद पसंद नहीं आती। योग निद्रा में अपनी भावनाओं के प्रति सजग रहना है। हर कार्य की जिम्मेदारी खुद लेना है। सांस भी आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जैसे तनाव और क्रोध का भाव आते ही हमारी सांसें तेज होने लगती हैं, और जैसे जैसे हम अपनी नॉर्मल कंडीशन में आते जाते हैं, हमारी सांसें भी धीमी होने लगती हैं। पांचवा, अपने मन को जानना। आपके विचार आपसे अलग हैं, उनको आते और जाते हुए देखना ही अपने आप को पहचानना है। जैसे आप अपनी भावनाओं, शरीर संवेदनाओं को देख रहे थे, वैसे ही अपने विचारों को देखना है। आपको अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करना है, सिर्फ उनका निरीक्षण करना है। आपने कहावत सुनी होगी कि आप जिसका विरोध करते हैं वह बनी रहती है। यह बात विचारों के लिए भी सच है। जितनी बार आप अपने विचारों को नियंत्रित करेंगे, उतनी बार वह आपको उतना ज्यादा परेशान करेगी। चलिए जानते हैं कि योग निद्रा को करते कैसे हैं। योग निद्रा को करने के लिए पीठ के बल शवासन में लेट जाएं, नेत्र बंद करें, विश्राम अवस्था में लेट जाएं, कुछ गहरी सांस लें और छोड़ें। इसके बाद आपको साधारण सांस लेनी है। इसी संकल्प के साथ अभ्यास शुरू करें। अपने संकल्प को अपने मन में दोहराएं। अपना पूरा ध्यान अपने दाहिने पंजे पर लाएं। कुछ सेकंड तक यहां अपना ध्यान बनाए रखें। पंजों को विश्राम अवस्था में लाएं। अब पूरा ध्यान अपने दाहिने घुटनों पर लाएं। मन में विचार करें कि आपके दाहिने घुटने की कोशिकाएं, हड्डियां मजबूत हो रही हैं।
धीरे धीरे ध्यान दाहिने जांघ और फिर कूल्हे पर ले जाएं। अपने पूरे दाहिने पैर के प्रति सचेत हो जाएं। यही प्रक्रिया अपने बाएं पैर में अपनाएं। अपना ध्यान शरीर के सभी भागों, जननांग, पेट, नाभि और छाती पर ले जाएं। इसके बाद अपना ध्यान दाहिनी कंधे, भुजा, हथेली और उंगलियों पर ले जाएं। यही प्रक्रिया बाएं हाथ के लिए दोहराएं। एक गहरी सांस लें और अपने शरीर में हो रही संवेदनाओं के प्रति सजग रहें। कुछ मिनट तक इसी अवस्था में आराम करें। अपने शरीर और अपने आसपास के वातावरण के प्रति सचेत हो जाएं। दाहिनी करवट लेकर अब अपना समय लेकर धीरे धीरे उठकर बैठ जाएं। धीरे धीरे